एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। और गाइस आज तुम्हारा भाई खेलने जा रहे हैं पबजी मोबाइल लाइट। अब आप में से कई लोग सोच रहे हैं भाई तुम तो GTA 5 RDR 2 जैसी गेम में खेलने लगे थे, भाई पबजी लाइट पे दोबारा वापस कैसे आ गए। अब यहाँ पे देखो, मैं सोच तो रहा था कि पबजी लाइट कंटेंट डालूं, लेकिन जब तुम्हारे भाई ने नया पीसी ले लिया तो मैंने क्यों ना सोचा भाई अब तो पीसी की गेम डालेंगे, अब तो भाई दबा के व्यूज़ आएंगे, दबा के सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। लेकिन भाई दोबारा से वही हुआ ना, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना व्यूज़। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई अब दोबारा से पबजी लाइट स्टार्ट करी जाए, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा मतलब थोड़ा अच्छा खासा स्पोर्ट देखने को मिल रहा था। नहीं अब यहाँ पे जैसे मुझे थोड़ी बहुत लूट मिलती है, एस्कारल वगैरह मिल जाती है, तो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। अब वीडियो आगे बढ़ने से पहले वैसे अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई, कर देना यार। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। यहाँ पे मैं बंदों को ढूंढ रहता हूँ, लेकिन उतने में मुझे एक बॉट दिखता है। अब फिलहाल पहले तो जैसे भागा था ना, मुझे लगता है भाई बंदा भागा यहाँ से, लेकिन ये एक तो बॉट निकलता है। अब पहले जल्दी से मैं इस बंदे की पेटी बनाता हूँ, मतलब बॉट की पेटी बनाता हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? और उतने में भाई सामने एक और बॉट दिखता है, और सही बताओ तो यार मेरा तीसरा चौथा मैच होगा, और सही बताओ सब में मुझे बॉट ही बॉट दिख रहे हैं। अब जल्दी से इस बॉट की पेटी बनाता हूँ, उसके बाद मैं सोचता हूँ जल्दी से निकल लेंगे भाई, बंदे आपस में ठिल ना जाए। लेकिन इतने में ये जो स्क्वाड हाउस है ना, इतने में मुझे यहाँ से साउंड आता है। अब फिलहाल यहाँ पे होता है एक बंदा, अब देखो बस इस बंदे को कैसे मारता हो, और यहाँ पे भाई तुम्हें सीखने को मिलेगा आखिरकार अगर स्क्वाड हाउस में बंदा होता है तो उसको कैसे निपटाए। तो बस देखते जाओ, मालूम है तेरे बाप को, मत सीखा चल। यहाँ पे मैं जल्दी से एक पेन किलर लगा लेता हूँ, और इस बंदे का मुझे साउंड आ रहा है कि वो ऊपर ही है, और है ऊपर से हमारे भाई हिलने का नाम नहीं ले रहे। अब देखो भाई ये बंदा कहाँ बैठा होता है। मतलब बंदा पूरी चौड़ में था कि जैसे मैं अंदर आऊँ भाई बंदा मुझे निपटा दे, लेकिन बस अब इसकी बारी है। अब जल्दी से इस बंदे को नॉक करता हूँ, और सही में भाई बंदा कुछ ज़्यादा तेज बन रहा था अपने आप को। अब पहले जल्दी से फिनिश भी करते हैं, क्योंकि इसके बंदे के मुझे नीचे से फुटप्रिंट्स आ रहते हैं। अब यहाँ पर भाई इसका बंदा अभी अभी यूएस लेके आता है, तो मैं इसके थोड़ी मतलब थोड़ी देर इस बंदे की वेट करता हूँ यहाँ पे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, और इतनी देर की पकड़ पकड़ाई के बाद आखिरकार तुम्हारा भाई इस बंदे को नॉक करता है, और उसके बाद भाई थोड़ा नाच गाना क्यों ना हो जाए। सही में भाई मजा आता है अगर तुम इतने दिनों बाद खेलो, और उसके बाद भी अगर मतलब एक दो बंदा तुम निपटा दो ना भाई, अलग ही लेवल की खुशी होती है। और फिलहाल थोड़ा नाच गाना करता हूँ, और सोच रहा हूँ क्या पता बंदा कुछ बोलने की मतलब कुछ बोले, लेकिन ये बंदा कुछ बोलता नहीं, तो मैं इसको सीधा निपटा के आ जाता हूँ सामने की साइड, क्योंकि यहाँ पे भाई अभी अभी दो बंदों ने पूरी की पूरी टीम निपटाई होती है। और फिलहाल उन बंदों को ढूंढता हूँ, और देखो सामने वो आपको बंदे दिख देंगे उछल कूद करते हुए। और यहाँ पे देखो ये स्कोप ओपन करते सामने जो ये पेंट का बटन खुल जाता है भाई, इससे बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता है। मतलब कभी कभी स्कोप ओपन होने की जगह ना भाई यही खुल जाता है, देखो अभी भी खुल रखा है। अब यहाँ पे पहले तो देखो उस बंदे को देखता हूँ, और वो बंदा सामने भाग के आ जाता है। अब यहाँ पे दो बंदे होते हैं टोटल, अब ये बंदा भाई आराम से लूट रहा है। अब यहाँ पे इस बंदे को नॉक करके मैं सोचता हूँ पूरा फिनिश कर दूँ, लेकिन ये बंदा पीछे साइड कवर में चलता है। अब बार थी इसके दूसरे बंदे की, जो कि यार देखो मतलब भाई के सुध बुद मतलब पूरे के पूरे खो रखे हैं। अब यहाँ पे इस बंदे की मैं पेटी बनाता हूँ, और इसी के साथ ये दोनों के दोनों यहाँ पे बंदे मार देते हैं। अब फिलहाल जल्दी से इन बंदों को मैं लूट लेता हूँ, और मैं समझाता हूँ भाई इस बार तो मुझे पक्का भाई M4 मिलने वाली है। लेकिन कहाँ भाई, तुम्हारे भाई किस्मत यहाँ पे बिल्कुल नूबड़ वाली है भाई, एक M4 भी नहीं मिलते मतलब पूरे बंदों के पास। तो उसके बाद मैं दोबारा से अपनी गाड़ी उठाता हूँ, और यहाँ पर सीधा निकल लेता हूँ बाकी बंदों के लिए। अब यहाँ पर मैं पहले तो आता हूँ जंकयार्ड के साइड, क्योंकि यहाँ से मतलब जो प्लेन था वही गया था, लेकिन उतने में सामने मुझे डासे दिख दिया। और इस बंदे का नेट देखना भाई क्या ही धोखा दे रहा होता है, मतलब बंदा यहाँ से वहाँ टेलीपोर्ट रहता है। अब देखो सामने तुम्हें दिखा बंदा, अब सामने ये बंदा मुझे लगता है पता नहीं कहाँ गया, अब वहाँ पे निकला, और अब देखो भाई सब मतलब क्या ही ग्लिच है भाई। सही में भाई इस बंदे के ऊपर मुझे तो बहुत ही ज़्यादा तरस आ रहा है, मतलब हमारे भाई क्या ही सोच रहे होंगे। अब जल्दी से इस बंदे की पेटी बनाता हूँ, उसके बाद देख रहा था कि क्या पता इसका आसपास कोई बंदा ना बैठा हो, लेकिन यहाँ पे भाई इसके अलावा कोई भी नहीं होता। तो फटाफट इस बंदे की पेटी लूटता हूँ, और यहाँ पे भी मुझे M4 नहीं मिलती, लेकिन उसके बाद मैं अपनी डैश से उठाता हूँ और दोबारा से निकलता हूँ बाकी बंदों के लिए। अब इतने में मुझे लेफ्ट साइड में से मतलब राइट साइड में से एक युवा जाने की साउंड आता है, तो मैं जाता हूँ देखने, और भाई एक युवा सेम जा रहे होते हैं, और उसमें भाई एक ही बंदा होता है। अब मुझे तो लगता है भाई पूरी की पूरी स्क्वाड होगी, लेकिन ये बंदा देखो भाई कितनी तेज भगाता है अपनी गाड़ी, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना इसको भाई ऐसे निपटाऊँ। अब इस बंदे के यहाँ पे एक दो हेड लगते हैं, लेकिन ये बंदा ऐसे निकल जाता है। अब तुम्हें देखो अगर स्क्वाड होते ना तो तुम्हारे ऊपर पक्का हमला करेगी, लेकिन अगर सोलो बंदा हुआ तो तुम्हें भाई बिल्कुल ही मतलब उनको पकड़ नहीं पाओगे, इतनी तेज भागता है वो बंदा। अब ये बंदा मुझे लगता है सामने साइड गया होगा, क्योंकि सामने से बहुत ही ज़्यादा गोले की आवाज़ आती है, और मुझे लगता है भाई क्या पता पूरी की पूरी टीम बैठी हो और इनकी यहाँ पे प्लानिंग चल रही हो। अब फिलहाल अपनी गाड़ी में सोचता हूँ भाई रिच के पीछे रोकूँ, लेकिन
भाई देखो क्या बताते हैं। अब यहाँ पे मैं सोचता हूँ रिच के पीछे रोक लूँ गाड़ी, लेकिन यहाँ पे गाड़ी तुम्हारे भाई की हवा में चल जाते हैं। अब फिलहाल यहाँ पे सामने दो तीन बंदे मुझे दिख जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे डर था भाई कोई पीछे से ना आ जाए। अब जल्दी से पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत मतलब हीलिंग वगैरह कर लेता हूँ ताकि मैं यहाँ पे पूरी की पूरी हेल्प कर लूँ। अब फिलहाल सामने मतलब दो तीन बंदे आपस में लड़ रहे हैं और ऊपर तुम्हें एक बंदा दिखा होगा, लेकिन भाई गेम खेलते समय मुझे नहीं देखा और यहाँ पे यही मेरी गलती होती है जिसकी वजह से यहाँ पे मैं मार देता हूँ। अब फिलहाल गाइस आज की छोटी सी वीडियो बस इतने, अगर वीडियो बढ़े हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से अपने भाई के चैनल पर बनकर सब्सक्राइब की फैमिली कंप्लीट कर दो। और तुम्हारा भाई GTA 5 जैसी वीडियो की भी डालते हैं मतलब एपिसोड डालता है और वो देखना चाहते हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वो एपिसोड बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब फिलहाल मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में और पब्जी लाइट के भी कंटेंट आते रहेंगे, तो वही सपोर्ट करना अपने भाई को ऐसे ही और जल्दी से अपने भाई के चैनल पर बनकर सब्सक्राइब की फैमिली कंप्लीट करा देना।